हल्के हल्के से तुम मतलब तुम्हारे कानों को ही आस पास में आवाज सुनाई दे रही है, उसका इफेक्ट ये होता है कि तुम्हारे आस पास का तुम्हारे इनर ऑरा में ये सारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। जब तुम भजन को गा रहे हो, मतलब पूरी अपनी सुर के साथ, मतलब जहाँ आवाज ऊंची उठ रही है ऊंची उठा रहे हो, नीचे मतलब जहाँ जहाँ सुर जा रहा है उसकी, चाहे तुम गायक हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ तुम सुर से सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वहां तक तुम्हारी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, लेकिन तुम अपने हिसाब से वहां तक लेके जा रहे हो और फिर लेके आ रहे हो, या आवाज जहाँ खींच रही है वहां खींच रहे हो, उससे क्या है कि ये अलग अलग राग है, अलग अलग राग अलग अलग जगह हमारे इफेक्ट डालते हैं, अलग अलग चक्र पर, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स पर। जैसे प्राचीन काल में तुमने सुना होगा कि तानसेन थे, राग गा करके भी बारिश बुला देते थे, राग गा करके कुछ भी कर देते। तो हमारे जितने भी चाहे फिल्मी गाने हैं, चाहे भजन है, चाहे मंत्र है, कोई भी चीजें, ये हमेशा एक राग पर बनते हैं। तो जब इन भजनों को तुम उसके साथ में तीनों तरह से तुम्हें भजन करने चाहिए, मानसिक भी करने चाहिए, थोड़ा सा लिटिल बिट वॉइस में भी करनी चाहिए, और पूरा सुर से सुर मिला करके पूरी अपना कहा जाए पेट गला सब खोल करके करना चाहिए। जब खोल करके करोगे तो तीनों में फर्क अपने आप तुम्हें महसूस होगा। जब खोल कर करते हो तो तुम्हारे सारे ये चक्र पर, ये तुम्हारे यहाँ चक्र पर, स्वर्ग स्थान का है तो यहाँ, हार्ट का यहाँ, जिसका राग है जिसका वो है वहां पर तुम्हारा पूरा इफेक्ट आएगा। जब सुर से मिलाओगे, लंबा खींचना है या छोटा है, या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, और अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ो उस समय, नाचने का, गाने का, रोने का, हंसने का, मारने पीटने, जो मन कर रहा है वो तुमने करना है अपने आप को। जब तक फ्री नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा प्यूरिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कोई नहीं है अपने आप को। जो फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो भरी भीड़ में भी होते हैं, बस वो ये सोचते हैं कि मैं हूं और ये है, सारी भीड़ को भूल जाते हैं। ऐसे यहां तुमने सोचना है कि केवल मैं हूं, मेरी सोल है और वो परम सोल है, परम शक्ति है, और कोई है ही नहीं है तुम्हें, और कोई नजर ही नहीं आ रहा तुम्हें, कोई महसूस ही नहीं हो रहा। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी और सब कुछ भूल जाओगे, तब देखो उसका आनंद, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका फायदा, फायदा तुम्हें अभी तक भी हो रहा है, लेकिन आज इस भाव से करोगे तो उसका फायदा बहुत ही ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा होगा।